चिंता में जागे फिर ना सोए तेरे नैना। चलिए फ्रेंड्स, कुछ नया सीख लेते हैं। भाई साहब आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, तो आज भी फ्रेंड्स आपके लिए भाई साहब कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं। स्टेटस बनाना सिखा रही हूँ फ्रेंड्स, वो भी अलाइट मोशन ऐप के अंदर। तो सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप के अंदर चलेंगे और प्लस वाले आइकन पे जाएंगे। तो इसमें आपको फ्रेंड्स करना क्या है, थोड़ा सा पहले एक छोटा सा वर्क करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पेंसिल वाले पे आना है और 400 और 2340 ये मतलब साइज लेनी है आपको, ऐसे इस तरीके से। लेने के बाद आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे जाना है, मीडिया पे जाना है, जो भी गाना आपको बनाना है फ्रेंड्स उसकी सारी पिक का आपको ज्वाइन कर देनी है एक एक करके। कैसे करनी है वो देखिए, स्क्वायर में आपको पिक लेनी है। जैसे ये पिक ली मैंने, यहाँ पे आपको पांच या छह, इस तरीके से जमा देनी है एक के ऊपर एक, और फिर दूसरी ले लेनी है आपको इसी तरीके से, वो भी इसी तरीके से जमा देनी है। इस तरीके से पिक जमाने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको करना है आपको एक्सपोर्ट, ठीक है। करंट फ्रेम पीएनजी इसके अंदर आपको एक्सपोर्ट कर देना है, करंट फ्रेम पीएनजी। एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पीछे बैक आना है, प्लस वाले आइकन पे आना है और ये वाला रेशियो लेना है। लेने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है और कलर पे जाना है। तो कलर पे मैं चल जाती हूँ, पहले एक पूरा ले लेते हैं, फिल द कंपोजिशन एरिया कर देते हैं। कलर जो है वो डबल से डेढ़ लेंगे हम। तो इसके अंदर आपको पिंक ले लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा वाइट ले लेना है, और इस तरीके से ये थोड़ा सा स्पोर्टी इसको बना देना है। इसमें वाले बाद थोड़ा सा इसको थोड़ा बीच में से डार्क कर देना आप, इस तरीके से हो जाएगा तैयार। होने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको मीडिया पे जाना है, प्लस वाले आइकन पे, और ये आपको इस तरीके का एक फ्रेम मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से एक बार जाना है और प्लस वाले आइकन पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और ये कैसेट आपको मिल जाएगी। तो इसको भी लाना है इस तरीके से, इसको भी इसकी साइज के अनुसार थोड़ा सा सेट कर देना है, जैसी साइज है उसके अनुसार सेट कर देना। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो फ्रेंड्स कैसेट वाले को थोड़ा सा नीचे ले लेना ताकि ये पीछे चला जाए, और थोड़ा सा इस तरीके से कर देना ताकि ये थोड़ा सा ही दिखाई दे, और फ्रेम थोड़ा बड़ा चाहिए तो इस तरीके से इसको भी कर लेना आप, ठीक है फ्रेंड्स। ये काम हो गया, अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पीएनजी करना है। तो क्रोम में या गूगल जिससे भी आप करना चाहते हो, बैकग्राउंड बीजी रिमूव लिख देना, वहाँ पे साइट आ जाएगी, फोटो जो भी जिस पे करना चाहते हो अपलोड कर देना और हो जाएगा। तो मैंने पहले से कर रखा है, तो मैं इसको ले लेती हूँ इस तरीके से। इस फोटो को भी आपको यहाँ पे
रख लेना है। रखने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा एनिमेशन देना है आपको गाने के अनुसार, जैसे गाने की बीट है उनके अनुसार ही कैसेट को चलाना है और उसके अनुसार ही जो मोमेंट है फोटो के अंदर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसेट के अंदर मोमेंट करना है आपको। तो सबसे पहले मैं गाना ले आती हूँ। तो गाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और इसी में से निकाल लेते हैं और थ्री डॉट पे जाके एक्सट्रैक्ट ऑडियो हो जाएगा और वीडियो को डिलीट मार देते हैं। ऐसा करने के बाद अब आपको क्या करना, गाना आपका आ चुका है तो आपको सारे जो भी जितने हैं फोल्डर उन सबको यहाँ तक ले आना है इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद अब आपको क्या करना फ्रेंड्स, जो कैसेट वाला है ना इसके ऊपर आना है, इसको स्टार्टिंग के ऊपर आना है और मूव एंड ट्रांसफर के अंदर आना है। यहाँ पे एक टिप लगानी है और लास्ट वाले पोर्शन पे आना है और यहाँ पे एक टिप लगानी है। इसके बाद थोड़ा सा इसको, जैसे आपके गाने के बोल है धीरे हैं तो आपको थोड़ा सा 2x कर देना है और थोड़ा सा तेज हो तो इसका बढ़ा देना। तो जैसे गाने के बोल हो वैसे ही बीट के अनुसार इस कैसेट को आपको चला देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैसेट आपकी घूमती हुई धीरे धीरे घुमाई घूमेगी। एक बार फिर से यदि नहीं हो तो इसको फिर से एक बार कर देना, यहाँ से शुरू करना आप और लास्ट में आना। तो इसके बाद एक बार फिर से इसको घुमा देना ताकि ये घूमने लग जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने अभी जो PNG बनाई तो उसको लेके आना है। थोड़ा सा पहले इस फ्रेम के अंदर ये वाले जो है इसमें एनिमेशन दे देते हैं। इसमें एनिमेशन क्या देना है, इसके लास्ट वाले पोर्शन में आना है और लास्ट वाले पोर्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पिक को इस तरीके से यहाँ ले आएंगे, इस तरीके से थोड़ा सा एनिमेशन इसको दे देंगे तो ये इस तरीके से मूवमेंट करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, लास्ट आपको एक काम और करना है। देखो प्लस वाले आइकन पे जाना, जो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स मीडिया पे आना है। ठीक है, आने के बाद आपको क्या करना है, जो अलाइट मशीन में आपने PNG एक्सपर्ट की थी उसको लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा इसको सेट कर लेना है साइज के अनुसार। इसके अंदर आता है मूव एंड ट्रांसफर के अंदर, थोड़ा सा इसमें फ्रेम में सेट हो जाए इस तरीके से, इसकी साइज को बढ़ा लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ये साइज हमारी आ गई। अब आपको क्या करना है, एक ऐसे ही गोले पे आना है और चौकोर एक फ्रेम लेना है, कलर आपको वाइट लेना है और इसकी साइज को भी आपको जहाँ ये फोटो फ्रेम शुरू हो रहा है वहाँ से इसको अंदर आना है और थोड़ा बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद इसको इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देना और सेट करना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको करना है ग्रुप एंड मास्क सेकंड वाला, इस तरीके से कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अब एनिमेशन देना फोटो के अंदर, सेट नहीं हो तो फोटो को थोड़ा सा सेट कर देना सही से लग जाए तो। यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा देना इस तरीके से, सही नहीं हो इसको भी इस तरीके कर देना सेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये फोटो सेट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर एक इफेक्ट देना, ओनली इफेक्ट देना ही है, ब्लर ब्लर के अंदर गेसिन ब्लर, बस इतना ही करना है। करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये चौकोर वाला है ना इसको देख लेना है कि ये सेट हो रहा है या नहीं।
फोटो को भी देख लेना आपकी साइज के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इनके अंदर एक मोमेंट देना है। तो यहाँ इसमें आएंगे, आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसके पीछे मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ। देखो इस फोटो को इस तरीके से मूव एंड ट्रांसफ़र के अंदर आना है। यहाँ पे देखो आपको दो तीन बार टिप करोगे ना, तो स्टार्टिंग में एक आपको टिप लगाना है, इसके बाद लास्ट वाले कॉर्नर पे आना है और इस तरीके से टिप लगाना है। अब आपकी जहाँ से फ़ोटो शुरू हो रही है ना फ्रेंड्स, वहाँ से आपको इसको ऐसे नीचे से स्क्रॉल करते हुए लेना, जैसे ये पहली फ़ोटो है, ठीक है। तो ये जैसे पहली फ़ोटो है ना, इसको अब धीरे धीरे ऐसे निकालना। आपको पहले फ़ोटो सेट कर देना जहाँ से आप निकालना चाहती हो, फिर धीरे 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 लास्ट की जहाँ तक पिक है आपकी, वहाँ तक इसको निकाल लेना। इस तरीके से सेट हो जाएगी। तो ये इनके अंदर एनिमेशन लग चुका है, तो ये इस तरीके से फ़ोटो चलेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये फ़ोटो चलने लग जाएगी। फ्रेम में सेट नहीं है वो, तो यहाँ से फ्रेम में थोड़ा सा सेट कर देना उनको, मूव एंड ट्रांसफर में जाके इस तरीके से देख लेना आप, फिट बिठा देना इनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। देखो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा। तो ग्रुप और मास्क के अंदर यदि कोई गाना आपका लंबा हो और छोटा पड़ रहा हो, तो इस तरीके से इसको सेट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो कैसेट भी चलती है और साथ में आपके जो फोटो है वो भी नीचे बराबर बराबर आ रही है। इस तरीके से आप इस फ्रेम के अंदर सेट कर लेना। और भाई साहब का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।